नया हफ्ता नई टेक न्यूज। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। जी हाँ, हर वक्त आपके लिए जबरदस्त टेक न्यूज चुन चुन के लाते हैं, साथ में अपना सीक्रेट मसाला मारते हैं जिसमें आपको बड़ा मजा आता है। पिछले टेक न्यूज पर ऑलमोस्ट 16,000 लाइक्स आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। 20,000 कर दीजिए तो बड़ा मजा आएगा। अरे आपको मैं बताऊं, एक टाइम पर तो हम 50,000 लाइक्स पहुंचते थे। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं पहले से, उनको पता होगा हमने वो भी अचीवमेंट्स हासिल किया है। वैसे हमने आपसे सवाल पूछा था कि भाई IPS डिस्प्ले या AMOLED डिस्प्ले, यहाँ पर 60-40 हो गया है। ऑलमोस्ट 60% लोगों ने कहा कि फुल HD प्लस LCD IPS डिस्प्ले, और बहुत सारे लोगों ने फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले भी यहाँ पर कहा है। आज जंग थोड़ी और बड़ी करते हैं, आप कौन सी ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। मैं जैसे कि सैमसंग करता हूँ, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। और कल एक लेजेंडरी वीडियो आ रहा है, एक हिंट दे दिया आपको मैं, कल लेजेंडरी वीडियो आ रहा है, दोपहर में 12-1 बजे के आसपास मिल जाएगा, बड़ा मजा आएगा। फटाफट से आज के लेक्चर शुरू करते हैं। पहली जो खबर है काफी बड़ी और बुरी खबर है। सैमसंग, LG, Xiaomi के कुछ फोन्स ऐसे एक्सपोज हो चुके हैं जिनमें हैकर्स अपने खुद के भी एप्स जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो चढ़ा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप फोन यूज करते हो उसमें कॉन्टैक्ट कैलेंडर जो कंपनी के खुद के बाय डिफॉल्ट एप्स होते हैं, इनको साइन करने के लिए एक सीक्रेट उनकी की होती है, अगर ये बाहर आ गया तो भाई एक्सपोज हो गया। यही की बाहर आ गई, एक्सपोज हो गई, हैकर्स अब अपने खुद के एप्स कॉन्टैक्ट्स का क्लोन बनाकर वो चढ़ा देंगे, और आपको लगेगा ये तो कंपनी का कॉन्टैक्ट है, और फिर जब आप अपने कॉन्टैक्ट डाल रहे हैं तो वो वहां से देख रहे हैं। तो ऐसा ये सीक्रेट चीज बाहर आ गई और हैकर्स के हाथ में लग सकती है, और ये वल्नरेबल सैमसंग, LG, Xiaomi के फोन्स में देखा गया है। अगर इसको फिक्स्ड कर दे तो बढ़िया है, वरना इतना बड़ा कांड हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। 5G टावर्स की चोरी, थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, वैसे ये न्यूज थोड़ी पुरानी है लेकिन आपको बताना जरूरी था। इंडिया के अंदर तमिलनाडु में 5G टावर्स, अरे भाई टावर लगे उसको उखाड़ के लेके गए चोरों ने, और 6 लाख रुपए में भंगार में बेच दिया, स्क्रैप डीलर्स जिसको हम बोलते हैं। सोचो 5G टावर्स भी सेफ नहीं, ये क्या चल रहा है, मतलब यार, मतलब क्या है ये, टावर लगे हुए उसको उखाड़ कर लेके गए, और जिसके पास लगा हुआ था उसको तो ऐसा झांसा दिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, हम ये हम वो है, और लेके निकल लो 6 लाख में बेच दिए, और लेने वाले ने लिया भी 5G टावर, बट ये पकड़े गए, मतलब कुछ भी हो सकता है। इधर एक नया स्कैम जो वो सामने निकल कर आया है जिसका नाम है ब्लू बग या ब्लू बगिंग। बेसिकली ये ब्लूटूथ से रिगार्डिंग है, इनकेस अगर आपका ब्लूटूथ ऑन है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपने ऑन करके छोड़ दिया, आपके ब्लूटूथ ऑन होने के बाद बिना किसी को एक्सेप्ट किए हैकर्स जो है वो आपके फोन में कंट्रोल पा सकते हैं। आप सोच रहे हैं यार ये कैसे पॉसिबल है, इसी का नाम है ब्लू बग। ऐसा ही उनके पास कुछ कांड करने का मशीन है जिससे वो एक बार आपका ब्लूटूथ ऑन देखकर कनेक्ट कर लेंगे, वायरलेसली आपके स्क्रीन कास्ट करके आपके सारे इन्फॉर्मेशन वो देख सकते हैं और खुद भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इससे ये पता चल रहा है कि अभी ये इंडिया में आया नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं गलती से अपना वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन मत करना, उसकी ज़रूरत नहीं है, अपना मोबाइल डेटा यूज़ करिए और ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करिए, वरना ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड हो रहे। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी, वही वाला सीन हो गया है। सैटेलाइट कनेक्टिविटी याद है आपको, आईफोन 14 सीरीज में आई थी, हमें लग रहा था यार क्या यार कुछ भी, फिलहाल के लिए यूएस में भी इंडिया में भी आ सकते हैं। लेकिन आपको बताया अलास्का में एक ऐसा किस्सा निकल कर आया, कोई था अभी बंदा बंदी पता नहीं, वो गया भाई एकदम बस बर्फों के बीच में और फंस गया। अब भाई आईफोन 14 सीरीज यूज कर रहा है, फोन के अंदर नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कैसे वहां पर नोटिफिकेशन देगा कि मैं यहां पर बैठा हुआ। तो कनेक्टिविटी हुई सैटेलाइट से और वो गया नोटिफिकेशन नियर बाय, और वो लोग आए और उसको बचा दिए। वैसे ये झूठ नहीं है, सच खबर है, तो देखो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें काम आ जाती है। तो ये बंदे की भाई जान थी, मतलब लाइफ थी, तो ये बच गया क्योंकि इसके पास था आईफोन 14 सीरीज। टिम को जीपे कर देना। सैमसंग एक ऐसे फिंगरप्रिंट स्कैनर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इतना पावरफुल है, इसमें मल्टीपल फिंगरप्रिंट स्कैनर टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो आज के अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर से 2.5 बिलियन टाइम्स ज्यादा फास्ट हो सकता है, जिसकी कोई हद नहीं है। अब इसमें एक न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी जिसका नाम है OPD। अरे वो OPD नहीं जहाँ फोन करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, ये है ऑर्गेनिक फोटो डाइट, इसके थ्रू ये सारा काम किया जाएगा। लेकिन सोचो अभी इतना पावरफुल टेक्नोलॉजी है, आने वाले और 2 साल इसको लग जाएंगे हमारे पास आने के लिए, उसके बाद तो फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसा होगा कि खाली दूर से हवा से काम हो गया। ओप्पो
ओप्पो वाले अपने फोल्डेबल फोन्स पर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अभी उनका फाइंड N आया था, सैमसंग को बहुत टक्कर दिया था और लोगों ने बहुत तारीफ की थी, हमने भी उसका हैंड्स ऑन किया था। अब ओप्पो का फाइंड N2 तो आ रहा है, लेकिन साथ में फाइंड N2 फ्लिप, ये फर्स्ट टाइम ओप्पो लेके आ रहा है और इसके कुछ फोटोज लीक हुए थे। अब ये सच है या झूठ है पता नहीं, लेकिन ये वाला फोन ऐसा बोल रहा है कि ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप हो सकता है, जिसमें पीछे की स्क्रीन देखिए, आई मीन सैमसंग फ्लिप को तो इसने एकदम से धूल चटा दी। तो बहुत ही सैमसंग या मोटोरोला के भी जो फ्लिप आते हैं उसको भी इसने धूल ही चटा दी, क्योंकि डिस्प्ले देखेंगे तो पीछे एक छोटी सी स्क्रीन दी जो ऑलमोस्ट हाफ जैसा फोन लग रहा है। ऐसे कुछ ओप्पो करने की प्लान कर रहा है। इनके फोन थोड़े सैमसंग से अफोर्डेबल भी होते हैं, बट देखना है कि इसकी प्राइस यहाँ पर क्या होती है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी चाइना में लॉन्च होगा, अगर इंडिया में लेके आ जाते हैं मजा आ जाएगा। इंडिया में एक 74 इयर्स ओल्ड बिजनेसमैन के साथ यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर स्कैम हो गया। आज मैं आपको काफी सारे स्कैम न्यूज दे रहा हूँ। वैसे ये बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स का आपको पता है या अमेजोन का जो ऑटो पेमेंट सिस्टम होता है, आपके मंथली आपको मैसेज आता है कि इतना डिडक्ट हो गया उतना डिडक्ट हो गया, वैसे इनको कुछ नोटिफिकेशन आया लेकिन ईमेल पर आया और वहां पर इन्होंने पेमेंट करने का कुछ ऑप्शन डाला, ओटीपी ओटीपी डाला, तो उनको लगा गया 500-600 रुपये महीने का कटेगा। थोड़ा टाइम बाद हो गया 1.2 या 1.4 लाख का बुक का। ये बोल रहे भाई ये कैसे हो गया, पता चला कि भाई वो तो फेक ईमेल था, नेटफ्लिक्स का था ही नहीं। चीचा क्या हो गया, इतना मतलब इतना बिजनेस मैंने आप ऐसे सुनने में आ रहा है और ऐसा कैसे आप कर दिया। हम तो ऑटो पेमेंट रखते या तो कभी ईमेल पे क्लिक भी नहीं करता। तो अभी मेरा भाई का भी ईमेल आता तो मैं क्लिक नहीं करता, मैं पहले पूछता तूने किया ना। आज की जिंदगी में ऐसे ही जीना पड़ेगा। फाइनली गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आ चुका है। ये बेसिकली गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सक्सेसर है और अभी जितने भी जो भी स्क्रीन प्रोटेक्टर जो आपके डिस्प्ले पर कंपनी प्रोडक्शंस देती है उनसे बहुत ज्यादा फास्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि 2 meters तक उसके भी हाइट से अगर फोन गिरता है जिस पर ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 लगा है, ये बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। ऐसा उन्होंने कुछ टेस्टिंग भी किया था और वो वीडियो भी सामने निकल कर आया था। बाकी दूसरे जो भी प्रोडक्शंस होती है अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो कॉर्निंग ऐसा बोलता है कि वो 0.5 meters तक ही झेल सकती है, 1 meter तक भी जाएगा तो टूट जाएगा, ये तो 2 meters तक से भी फेंको तो टूटता नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए ऑनेस्टली कहता हूं, किसी का भी भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई किसी की गारंटी नहीं लेता। भाई गोरिल्ला ग्लास वाले फोन अभी इनफैक्ट सैमसंग S22 अल्ट्रा की बात को विक्टस लगा हुआ है इस पर, फिर भी हल्के हल्के स्क्रैचेस आ गए, हो गया ना स्कैम। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक बढ़िया वायर्ड गेमिंग माउस चाहिए जिसमें RGB लाइट का भी सपोर्ट हो और भी काफी सारे फीचर्स हैं, तो सिर्फ 200 रुपए के नीचे आपको ये वाला मिल जाएगा। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आपको थोड़ा बहुत गेमिंग में इंटरेस्ट है, डेस्कटॉप के लिए तो वैसे मैं सोचता हूँ कि इसको इग्नोर करना, डेस्कटॉप के लिए अलग ही होते हैं, बट फिर भी आप इसका जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। गेमिंग की बात करते हैं, पबजी वाले जो क्राफ्टन है ना, हाँ वैसे तो बैटल ग्राउंड को लेकर कुछ खबर नहीं आ रही है, लेकिन इन्होंने एक नया गेम लॉन्च कर दिया है। वैसे इनका बहुत बड़ा हाथ है, पूरा के पूरा इनका ही खेल है। ये है कैलिस्टो प्रोटोकॉल, बेसिकली ये PS4 PS5 और PC में भी आ चुका है और ये एकदम बढ़िया हॉरर गेम है जो डेड स्पेस वाले लेजेंड्स है कुछ कमेंट में, हाँ वैसे कुछ है। और इसकी ग्राफिक्स एकदम सुपर्ब है, इतना रियल है, रियल फेस के साथ में भी जब उसके फोटोज बाहर निकल कर आए थे ऐसा लग रहा था अरे असली कौन है नकली कौन है। तो ऐसे कुछ उन्होंने लॉन्च कर दिया, भाई उसको छोड़ के अगर थोड़ा सा बैटल ग्राउंड्स पर फोकस कर लो इंडिया में तो अच्छा रहेगा। क्या आपको बताया दोस्तों, कीजी आइलैंड रशिया में एक ऐसी चर्च है जो पूरी की पूरी वुडन चर्च है। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन ये ऐसी है जिसमें एक भी कील नहीं लगाया गया, लकड़ा हो कील ना हो, जैसे बिना ब्रेड के मस्का या बिना टोस्ट के चाय, फिर भी 300 साल से ये ऐसी खड़ी है, सोचो। आज के दिन में जगह तो मेरे को तब का आज के लिए पसंद आएगी, पसंद लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।